पहले बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है। रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है फ्लाइट की। एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, जांच कराई जा रही है। फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर से कोलकाता ये फ्लाइट जा रही थी और इसी दौरान स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा यानी कि रायपुर एयरपोर्ट, यहां पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आप सुन रहे होंगे लगातार पिछले कुछ दिनों से कई फ्लाइट में बम की सूचना और इसके बाद उसकी जांच पड़ताल होती है और इस तरह का एक ट्रेंड बनता जा रहा है। पिछले 15 दिनों में कई फ्लाइटों की इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, जांच पड़ताल हुई है। अब एक और फ्लाइट जिसमें बम की सूचना मिली और उसके बाद इस फ्लाइट को रायपुर एयरपोर्ट में लैंड कराया गया, विमान को खाली कराया गया, यात्रियों को उतारा गया, सामान की जांच कराई गई और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। जिस तरह से बम की धमकी मिली और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, बम की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग इस फ्लाइट की कराई गई है जो कि नागपुर से कोलकाता ये जा रही थी फ्लाइट। रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों को उतारा गया है, सामानों की जांच पड़ताल की गई है और सबसे बड़ी बात है दो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ ये रायपुर एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जहां पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और दूसरी तस्वीर इस पूरे घटनाक्रम के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी एक्टिव हुआ, जांच पड़ताल की गई, विमान को खाली कराया गया। नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश जरा बताइए, बम की खबर के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? विवेक बताता नहीं हूं, सीधा दिखा देता हूं, दिखा दीजिए किशन, सबसे एक्सक्लूसिव फुटेज विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा होगा। वही वो विमान है, आप देखिए एक तरफ बांग्लादेश का विमान है और दूसरी तरफ इंडिगो का आपको विमान दिखाई दे रहा होगा, यही विमान है। और जो जो वहां हो रही होगी, मेरे सहयोगी किशन, हमारे पास चुनौतियां हैं लेकिन हम कार के ऊपर चढ़कर हम दिखा रहे हैं कि उधर क्या क्या हलचल हो रही है और इंडिगो विमान में जो भी आपको हलचल होती हुई दिखाई दे रही होगी विस्तार न्यूज के कैमरे में कई किलोमीटर दूर से दिखाने की हमारी कोशिश है। मैं और किशन दिखा रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से जो है विमान को खड़ा कर दिया गया है, दूर खड़ा किया गया है ताकि अगर किसी भी तरीके की जो विस्फोटक की बात की है ऐसी स्थिति में जो है निपटा जा सके। पीछे आप देख रहे होंगे पूरा एयरपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ATC एयर कंट्रोल सेंटर जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप देखते होंगे अमूमन फिल्मों में देखता है आदमी कि वहीं से जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और ये वही विमान है। और ये आप देखिए बस, लगातार एक बस आ रही होगी जो तमाम, ये इस बस को दिखाइएगा किशन, ये बस आ रही है और ये आप देखिए तमाम जो मूवमेंट है उधर की तरफ, लगातार जो यात्रियों को जो है पहले वहाँ से निकाला गया और सीधा जो है एयरपोर्ट टर्मिनल ले जाया गया और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो इसलिए सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षित किया गया, कवरअप किया गया, वो भी तस्वीरें विस्तार न्यूज़ ने दिखाई। उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम यात्रियों को आनंद फानंद में, पहले ये खबर आई थी कि उनको नहीं उतारा जाएगा लेकिन फिर उन्हें उतार कर जो है सुरक्षित ढंग से जो है पहुंचा दिया गया। फिर उसके बाद जो है पूरा जो एयरपोर्ट उस प्लेन की तस्वीर आप लगातार दिखाते रहिए, इंडिगो की तस्वीर जिस प्लेन में बम की खबर थी और जिसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, ये तस्वीर बहुत एक्सक्लूसिव है। जिस फ्लाइट में बम की खबर थी उस फ्लाइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो का ये वो विमान है जहां पर इसको इस रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराया गया है और ये फ्लाइट कोलकाता जा रही थी लेकिन इस बीच इस फ्लाइट में बम की खबर मिलती है। नीतीश हमें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ जानकारी दे रहे हैं। नीतीश, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, ये वही विमान है, देख रहे होंगे आप, और इसके बगल में दिखाइए किशन, बांग्लादेश का एक विमान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये विमान देखिए आप, ये विमान है बांग्लादेश का विमान और ये विमान जो है लंबे समय से रायपुर एयरपोर्ट में ये विमान खड़ा हुआ है और इसकी अब जो है जो इसका किराया है वो इतना हो गया है कि अब ये रायपुर के एयरपोर्ट में ही जो है लीज में हो गया है और इसी के बगल में ठीक ये जो टर्मिनल है ये सिक्योर टर्मिनल है। ये टर्मिनल क्यों बनाए गए हैं
ताकि कोई भी जो विमान है लंबे समय तक किसी को खड़ा करना हो या फिर ऐसी आपात जो स्थिति हो उससे निपटना हो तब ऐसे विमान काम आते हैं। और ये आप विमान देखिए, ये इंडिगो एयरपोर्ट, इंडिगो का जो ये विमान है ये वहीं ठीक बगल में खड़ा किया गया है। मैं हमारी कोशिश है कि और जूम करके दिखाएं, और थोड़ा जूम करेंगे हम गेट की तरफ क्या हलचल चल रही है। लेकिन आप देखिए यहाँ कोई जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के कोई अधिकारी भी लगता है समझ में आ रहे हैं। हम काफ़ी दूर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोई यात्रियों का मूवमेंट नहीं है। यानी जो हमने कुछ और तस्वीरें विमानों की भेजी थी इंडिगो की, वो उनमें हमने ये समझ में हमें ये आया, क्योंकि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के व्यक्ति कोई भी बोलने से मना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है अब दूसरे विमान से भेजने की तैयारी की गई है। लेकिन अभी जो वो विमान है वो यथावत उसी स्थिति में यहाँ पर खड़ा हुआ रायपुर एयरपोर्ट में नजर आ रहा है। बड़ी बात है। और जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं ये तस्वीर बेहद खास है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। ये तस्वीर आप देखिए उसी विमान की, जिस विमान में बम की खबर आती है। इस विमान जो कि कोलकाता इसको ले जाया जा रहा था, खचाखच यात्रियों से भरा हुआ था, उसके बाद बम की खबर के बाद इस विमान को रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। ये तस्वीर हम आपको नितेश और उनके सहयोगी के माध्यम से दिखा रहे हैं। नितेश, अब सबसे बड़ी बात है जिस तरह से विमान को अभी पार्क किया गया है, ये अपने आप में एक मैसेज है कि अभी जांच पड़ताल पूरी हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। और जो जिन्होंने भी हवाई यात्रा की होगी, गेट पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी भी जो चढ़ने की जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, वो अभी भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं। और डोर भी जो है खुला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमारी कोशिश है कि हम और साफ तस्वीर दिखा पाएं, और हमारी कोशिश रहेगी कि और हम पास जा पाएं और इन तस्वीरों को कैप्चर कर पाएं। और मूवमेंट हमें जो है कहीं बस का, कहीं टू व्हीलर्स का, माफ कीजिएगा फोर व्हीलर्स का दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो अंदर है वो तमाम गहन जाँच की जा रही है, और जो कुछ एक हिस्सा जो जाँच कर रहा है और दूसरा जो धड़ा है अधिकारियों का, वो अंदर जो तमाम जो यात्री हैं उनको समझाई भी दे रहा है, समझा बुझा रहा है। क्योंकि जब टर्मिनल में जब उन्हें उतारा गया, एयरपोर्ट में ले जाया गया, तब कई यात्रियों के नाराज होने की भी खबरें आई थी, वो भी तस्वीरें हमने साझा की थी। वो भी जो है क्योंकि तस्वीर हम देख पा रहे हैं जिस विमान में बम की खबर थी, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, तस्वीर आपने दिखाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।